मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमने बात की स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, जिसे हम देशबंधु कहते हैं। उसके बाद हमने बात की साइमन कमीशन की, जिसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी, जो कि भारत पूछा था 1928 में, जिसका भारत ने काफ़ी विरोध हुआ था। उसके बाद हमने बात की इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसकी स्थापना 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1900 जो कि 1928 में बनी थी। हम आपको बताएंगे क्या थी नेहरू रिपोर्ट और क्या शामिल था इसमें, और एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नेहरू रिपोर्ट से। हम आपको बता दें, साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने भारतीय नेताओं को ये चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सकें तो इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर इस बात का प्रयास किया कि साथ मिलजुल कर संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया, और जब इस समिति ने प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया, उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इस समिति के सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। इसमें अन्य 9 सदस्य भी थे, जिनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 28-30 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। समिति में 9 सदस्य थे। इस समिति में बताया गया है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना हो, कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थित सभा के प्रति उत्तरदायी हो, समस्त दायित्व तो भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए यानी फेडरेशन की, एफिशिएंट शक्ति केंद्र के पास हो, सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो ना कि कॉम्यूनल आधार पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए, जो कि 1909 एक्ट से मिला था, और फिर 1919 एक्ट से भी इन्होंने दिया था। 1909 में सबसे पहले मुस्लिम को मिला था। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई राज्य का धर्म नहीं होगा, यानी इसमें बात करी सेकुलरिज्म की। पुरुष और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का भी प्रस्ताव शामिल था। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज प्रावधान करने का प्रावधान नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में संघीय शासन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें एफिस शक्तियाँ केंद्र को मिले। हमने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट। अक्सर मंडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में आई थी, किसने की थी इसे तैयार, इसे 9 सदस्य के समिति ने तैयार की थी, जिसमें इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और इसीलिए इसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। हमने आपको बताया क्या क्या है नेहरू रिपोर्ट में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।